गाइज़ वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ जी नेटवर्क के बारे में और बताऊंगा दोस्तों जी नेटवर्क इंडिया का सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था और जी नेटवर्क ही है जो सबसे पहले सैटेलाइट चैनल जी टीवी लॉन्च करा था इंडिया में। तो दोस्तों उसी का आज हम लोग बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जी टी वी से रिलेटेड। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, ये वीडियो बेसिकली आप देख रहे होंगे शायद 3 अक्टूबर को, ये वीडियो लेट पोस्ट हो जाएगा। आज का इतिहास बेसिकली डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 1992 में लॉन्च किया था भारत का सबसे पहला निजी सैटेलाइट चैनल जिसका नाम था दोस्तों जी टी वी। और आज के डेट में इस चैनल की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी खासी भी है और ये टॉप 10 में भी शामिल रहता है टीआरपी के मामले में। साथ ही इस चैनल के अजय अलाकांटे के बारे में बात करें तो 19 रुपये का इस चैनल देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों जब सुभाष चंद्र जी ने 1992 में इस चैनल को लॉन्च करा था तो उनने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये चैनल इतना लॉन्ग रन और एक टाइम पे आने के बाद इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करेगा। एक चैनल से शुरू होने के बाद 60+ आज जी नेटवर्क के पास चैनल्स हैं। तो साल 1992 में यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भारत का पहला सैटेलाइट टीवी चैनल लॉन्च किया था और इसके संस्थापक जो जिल है यानी कि जो कि अभी सोनी नेटवर्क के साथ भी मर्ज हो चुका है, जो कि चैनल लॉन्च से कुछ महीने पहले 15 दिसंबर 1991 में को अस्तित्व में आया था। सीईओ ने बताया था भावनात्मक क्षण जी की 29वीं वर्षगांठ पे कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका, जो कि सुभाष चंद्र जी के बेटा हैं, ट्वीट किया है कि मेरे लिए भावनात्मक क्षण है क्योंकि यह कीमती संस्थान 29 असाधारण वर्ष पूरे कर रहे हैं जिनने सभी हितधारकों के लिए वर्षों के मूल्य सूचित किए हैं, इन्हें ट्वीट करके दिया था। बेसिकली वीडियो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे जी टी वी का जो गांठ है उसके बारे में बनाइए वीडियो। तो कठिनाई भरे थे शुरुआती दिन। हरियाणा के आदमपुर में जन्मे डॉक्टर चंद्रा का ताल्लुक अग्रवाल बनिया परिवार से है। हालांकि उन्हें शुरुआती दिन कठिन थे क्योंकि उनका परिवार 3.5 लाख रुपये के कर्ज कारण उनकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहा था। अनाज को खुले रखने का दिया सुझाव। स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ गए। डॉक्टर चंद्रा ने भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के साथ काम करते हुए खदानों को खुले में रखने और विशेष प्लास्टिक सीट के ढकने का सुझाव दिया। इससे पहले अनाज को गोदामों में रखा जाता था। उन्होंने एससीएफ को इस प्लास्टिक सीट को स्विस मशीन भारत लाने के लिए मनाया। हालांकि विशेषज्ञ नहीं होने से 90% सीटें बेकार चली गई। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरों को स्विट्जरलैंड भेजने का फैसला लिया ताकि सीट्स बनाने की ट्रेनिंग ले सके। ये कुछ उनकी जीवनी के बारे में थे। अब डिज्नीलैंड से बेसिकली उन्हें प्रेरणा लिया था सैटेलाइट चैनल ओपन करने के लिए। डॉक्टर चंद्रा ने अमेरिका के डिज्नीलैंड से प्रेरणा लेते हुए अपना एडवेंचर पार्क शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 1989 में भारत का पहला मनोरंजन पार्क एसएल वर्ल्ड बनाने की उत्तरी मुंबई में ज़मीन खरीदी। फिर एसएल वर्ल्ड और जी टीवी के बाद डॉक्टर चंद्रा ने भारत का पहला सैटेलाइट टेलीविज़न जिसका डिश टीवी भी नाम से आप जानते हैं, इसके अलावा युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से डॉक्टर चंद्रा ने डॉक्टर सुभाष चंद्र शो नामक नया शो भी बनाया था। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है दोस्तों कि आज जी नेटवर्क इतना बड़ा मुकाम हासिल करा लगभग 29 साल कंप्लीट करने के बाद। जी नेटवर्क आज सोनी नेटवर्क एक आपस में विलय भी हो चुके हैं। तो जी नेटवर्क कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे पहला पुराना चैनल आप कह सकते हो क्योंकि उस दौर पर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करते थे। दूरदर्शन के बाद अगर कोई सैटेलाइट चैनल निजी मतलब प्राइवेट सैटेलाइट चैनल अगर कोई आया था तो वो था आपका जी टी वी। तो जी टी वी के 29 वर्ष पूरे हो गए हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा है। ऐसे तो बाहरी चीज़ें की तरफ लोग जाते ही हैं, स्टार कलर्स और सोनी जो भी चीज़ें हैं जितना पॉपुलर है उससे कहीं कम नहीं है जी टी वी पॉपुलर। जी टी वी की भी अच्छी खासी पॉपुलरिटी हासिल है। तो ये था कुछ जी टी वी के बारे में। पूरे 29 साल कंप्लीट हो गए हैं। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।